हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर म्यूजिक एल्बम सॉन्ग में जबरदस्त हिट गाने देने वाली मशहूर सिंगर नेहा कक्कर सोशल मीडिया पर हमेशा काफी एक्टिव रही हैं। किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी हो, पर्सनल लाइफ से, या फिर नेहा अपने फैंस के साथ दिल खोलकर सब कुछ शेयर करती हैं। यहां तक कि नेहा अपने इवेंट्स और शोज की तस्वीरें, वीडियोज भी लगातार सोशल मीडिया पर अपने फैंस के बीच पोस्ट करती रहती हैं। ये तो हर कोई जानता है कि आज नेहा जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए नेहा कक्कर ने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। नेहा का जीवन संघर्ष से भरा रहा और आज जिस शो में नेहा कंटेस्टेंट बनकर आई थी, उसी शो की जज बने हुए नजर आ रही हैं और ये उनकी सफलता का काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाल ही में नेहा ने अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है। दरअसल नेहा की फोटो उनके बचपन के दिनों की है, जब वो स्टेज पर गाना गाया करती थी। नेहा के इन फोटोज में उनके साथ उनके भाई टोनी कक्कर भी स्टेज पर दिख रहे हैं। नेहा कक्कर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर की, जिसमें पहली तस्वीर में छोटी सी नेहा कक्कर माइक लिए खड़ी हैं और उनके पास टोनी कक्कर भी माइक के साथ बैठे हुए हैं। इनके पीछे ही उनके माता पिता भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में नेहा खास व्यक्ति के साथ पोज देती हुई नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए नेहा ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक शानदार कैप्शन भी लिखा। फोटो में पूरा कक्कर परिवार एक साथ नजर आया। नेहा ने इसके अलावा एक और तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में साथ ही नेहा ने काफी ज्यादा शानदार कैप्शन भी लिखा है, साथ ही उन्हें थैंक यू कहा है जिन्होंने नेहा और उनके परिवार को एक नई राह और एक नई जिंदगी दी है। नेहा कक्कर के इस पोस्ट पर रोहनप्रीत सिंह ने भी कॉमेंट करते हुए लिखा, कक्कर फैमिली का स्ट्रगल ही असल में रियल स्ट्रगल है, इसलिए आप सब इतने रियल और प्यारे और जमीन से जुड़े हुए हो, गर्व है तुम पर नेहू। नेहा के फैंस भी उनके इस पोस्ट पर लगातार कमेंट कर एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग नेहा की खूबसूरती को भी काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। एक यूजर ने ये तक लिख डाला कि नेहा बचपन में काफी क्यूट थी और अब उससे भी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो चुकी हैं। बता दें कि बचपन में जागरण में गाना गाने के बाद नेहा कक्कर ने साल 2006 में इंडियन आइडल 2 में हिस्सा लिया था। हालांकि शो में ज्यादा टाइम के लिए वो रुक नहीं पाई, लेकिन उनकी आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया था और आज नेहा इंडियन आइडल की जज है। नेहा ने सेकेंड हैंड जवानी, काला चश्मा, दिलबर, आंख मारे, मिले हो तुम, ओ साकी साकी, गर्मी जैसे कई हिट गाने इंडस्ट्री को दिए हैं। बता दें कि नेहा कक्कर आजकल एक से बढ़कर एक गाने को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। तो वहीं नेहा अपने क्यूट और बोल्ड लुक से भी सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं। बता दें कि सोनू कक्कर, टोनी कक्कर और नेहा कक्कर आज इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बना चुके हैं। तो वहीं नेहा कक्कर आज बतौर जज इंडियन आइडल में नजर आ रही हैं और उनका ये स्ट्रगल काफी ज्यादा माना जाता है। वेल दोस्तों, आपको नेहा कक्कर बतौर सिंगर कैसी लगती है, उनका कौन सा गाना आपका फेवरेट सॉन्ग है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।